नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के बारे में जानकारी दी थी कि आपके यहाँ नैऋत्य दिशा का फर्श का लेवल ऊंचा है तो आपके यहाँ किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो है वेस्ट जोन, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का फर्श का लेवल ऊंचा है या छत के ऊपर पश्चिम दिशा ऊंची है तो आपके यहाँ किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा वरुण देव यानी वर्षा के देवता का स्थान माना जाता है और पश्चिम दिशा में शनि ग्रह का स्थान भी माना जाता है। पश्चिम दिशा हमेशा ही घर की फर्श के लेवल में ऊंची होनी चाहिए। छत के लेवल में यानी जो आपकी छत है, आपने अकेला एक कमरा पश्चिम दिशा में बनाया हुआ है तो ये कमरा भी आपका वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशा हमेशा ही ऊंचाई को पसंद करती है और पश्चिम दिशा जब भी ऊंची होती है तो घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में रहने वाले जितने भी मेल मेंबर हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, वो हमेशा स्वस्थ और सुखी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि पश्चिम दिशा हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। आपके घर के पश्चिम दिशा में यदि वास्तु दोष बन जाता है तो उसका सीधा प्रभाव जो घर के मेल मेंबर है उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनती है और वो लोग परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, धन धान्य की कमी होती है और आपके अपने जो व्यापार में तरक्की होनी चाहिए उसमें भी परेशानी आती है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में कभी भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपने हमेशा ही ध्यान रखना है जो आपके घर की पश्चिम दिशा है वो किसी भी कीमत पर फर्श के लेवल में या छत के लेवल में नीची नहीं होनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। मैं आपको हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें भी शेयर जरूर करता हूँ, क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और आप अपना नया घर बनाते समय अपने जीवन की जमा पूंजी के साथ साथ बैंक लोन या इधर उधर से हाथ उधारा पैसा उठाकर अपने घर को बनाने के लिए लगाते हैं। और हर आदमी यही चाहता है कि मैं जो अपना नया घर बनाने जा रहा हूँ उस घर के अंदर हर प्रकार का सुख जरूर मिले। इसलिए आपको अपने घर की पश्चिम दिशा का वास्तु सही जरूर करना है। मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने घर की पश्चिम दिशा के वास्तु दोष को सही करें ताकि आपके घर के अंदर हमेशा खुशहाली बनी रहे, घर के मेल मेंबर हमेशा खुशहाल रहें और घर के अंदर धन धान्य की भी वृद्धि हो। इसलिए आपने अपने घर की पश्चिम दिशा को हमेशा ही सही रखना है। इसी तरह मैं अगले प्रोग्राम में आपको नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा के फर्श के लेवल के ऊंचे होने के या छत के ऊपर अकेला एक कमरा बनने से किस तरह के प्रभाव उस घर में देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।